आज हम साधारणीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। भारतीय काव्य शास्त्र में इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन पट्टनायक ने किया था। अब हम पढ़ेंगे साधारणीकरण की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है। साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति का विलयन, निर्व्यक्तिकरण, संबंध विशेष का त्याग, असाधारण को साधारण रूप में प्रस्तुत कर देना आदि। साधारणीकरण वह सामान्यीकृत अनुभव है जिसमें वस्तुएं स्थान तथा काल की उपाधि से मुक्त निर्व्यक्तिक रूप में दिखाई पड़ती है एवं अनुभूत होने लगती है। अब साधारणीकरण की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। इस प्रक्रिया में विभावादि का विशेष तत्व समाप्त हो जाता है अर्थात वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। अब मकैरे का अभिप्राय है कि विशेषत्व की जो भाव होता है वो वहाँ पर वो समाप्त हो जाता है और वो हमारे लेवल से सामान्यीकृत हो जाते हैं अर्थात शकुंतला शकुंतला न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय यानी यशोदा के साथ दर्शक अर्थात सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको पुत्र ही प्रतीत होते हैं अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साधारणीकरण की प्रक्रिया में पांच अवस्था दिखाई पड़ती है, पांच अवस्थाएं आती है। पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा है इंद्रिय सन्निकर्ष, तीसरा है अनुभूति, चौथा है तुलना और सामान्यीकरण। प्रथम अवस्था में सहृदय काव्य शास्त्र आदि के अध्ययन तथा लोक निरीक्षण आदि से काव्य या जगत की अनुभूतियों को समझने की शक्ति पाता है। द्वितीय अवस्था में वह काव्य नाटक अथवा प्रत्यक्ष जीवन का दृश्य रागात्मक रूप में देखता है, निज के सुख दुख आदि भावों से मुक्त होता है। तृतीय अवस्था में वह काव्य पढ़ते या नाटक देखते समय पात्रों को विशिष्ट देश काल नाम आदि उपाधियों से मुक्त रूप में देखने का अनुभव करने लगता है। चतुर्थ अवस्था में वह अपने मन में आए हुए विशिष्ट उपाधियों से युक्त पात्रों की अपनी कल्पना द्वारा अपनी पूर्व अर्जित अनुभूतियों तथा संस्कारों से बार बार तुलना करने लगता है। यही तन्मयता की स्थिति होती है। पांचवी स्थिति में उन पात्रों में पूर्वापार्जित अनुभूतियों आदर्शों तथा संस्कारों की अनुरूपता पाकर उनकी उपाधि मुक्त रूप में निरूपित कर लेता है। इसी को साधारणीकरण की स्थिति कहते हैं। इसमें पात्रगत अनुभूतियों में से सब प्रकार की व्यक्ति निष्ठा दूर हो जाती है। बहुत से संस्कृत आचार्य द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या भी की गई है। उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि साधारणीकरण उनके मतानुसार क्या प्रक्रिया है साधारणीकरण की। तो भट्टनायक का मत है, भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी है। भावकतम साधारणीकरणम तेनी ही व्यापारेण विभादे है स्थायी च साधारणी क्रियंते अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादी और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वो विशेष जो अपना रूप है या जो दिखाते हैं वो उसको छोड़कर हमारे लेवल में हमारे सामने हमको ऐसा लगता है जैसे वो हम में से ही कोई है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। तो साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत नहीं होते अर्थात सीता सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। स्थायी भाव तथा अनुभव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप से प्रतीत होना। दूसरे शब्दों में विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है।
पटनायक शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार मानते हैं। पहला अमिधा व्यापार, दूसरा भावक्त व्यापार, तीसरा भोजगत व्यापार। इनमें से भावक्त की साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का शिष्यत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभावादी के सामान्य हो जाने से साधारणीकरण मानते हैं। विभावादी के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। दूसरे जो विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, वो अभिनव गुप्त। इनका मत क्या है? अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभावादी ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभावादी के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन है, न तो ऐसी संबंध स्वीकृति रहती है और मेरे नहीं है, शत्रु के नहीं है अर्थात उदासीन के नहीं है, न तो ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साधारणीकरण द्वारा कभी निमित्त पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाता है। वह देश काल की सीमा में बद्ध रहकर सार्वदेशिक बन जाता है। अर्थात वे भाव जो काव्यगत नायक नायिका में व्यक्तिगत संबंध के कारण होते हैं, नाटक देखने अथवा काव्य पठन से सहृदय पाठक में साधारणीकृत हो जाते हैं। उनमें से ममत्व तथा परत्व की भावना विकल हो जाती है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते समय दुष्यंत का शकुंतला के प्रति जो रति भाव है वह सहृदय पाठक के लिए शुद्ध सात्विक रति भाव बन जाता है। उस भाव की उद्भूति सभी हृदयों में उसी रूप में होगी। साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु यह भाव किसका है इसका कोई ध्यान नहीं रहता। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण के दो स्तर हैं। पहले स्तर पर विभावादी का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है, ये पहला स्तर है। दूसरा स्तर उन्होंने बताया है कि सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, अर्थात विभावादी के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणीकरण भी हो जाता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण हो जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य अभिनव गुप्त विभावादी का ममत्व पर्वत संबंध से अलग हो जाना ही साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ साधारणकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने निम्न मत दिया है कि परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभावादी का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना साधारणीकरण है। विभावादी के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभव आदि सबका साधारणीकरण मानते हैं। आचार्य धनंजय ने साधारणीकरण तत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने रसास्वाद तक पहुंचने के लिए दो सोपान स्वीकार किए हैं। पहले सोपान पर काव्यगत नायक राम, दुष्यंत आदि पात्र धीरोदात, धीर प्रशांत आदि नायकों की अवस्था के दो तत्व होते हैं। दूसरे सोपान पर काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व को रामत्व, सीतात्व आदि को छोड़कर सामान्य पुरुष और स्त्री मात्र बन जाते हैं और सब सहृदय को रसास्वाद प्राप्त करते हैं। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ ने साधारणीकरण को प्रत्येक रूप से स्वीकार नहीं किया है। उनके मत का सार इस प्रकार है। काव्य और नाटक को पढ़ते समय अथवा देखते समय सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना उत्पन्न होती है, जो कि वस्तुतः एक दोष है, जिसके प्रभाव स्वरूप सामाजिक की आत्मा कल्पित दुष्यंत से आच्छादित हो जाती है। यह दोष ऐसा है जैसा कि सीपी के टुकड़े को देखकर चांदी के टुकड़े का भरम हो जाता है। हिंदी के कतिपय विद्वानों ने साधारणीकरण पर अपने अपने मत प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण संबंध अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है, साधारणीकरण का अभिप्राय यह कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन भी हो जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना
कवि या पात्र करता है पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। साधारणीकरण आलंबनवत का धर्म का होता है। पाठक या श्रोता की कल्पना में व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उनमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है।